हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितु गोयल्स किचन। बहुत मेरे फ्रेंड्स की डिमांड थी कि मैं करी नूडल्स की रेसिपी दूं, तो आज आपका इंतजार खत्म होता है और मैं आपके लिए लाई हूं करी नूडल्स की रेसिपी, जिसे खाउसवे भी कहते हैं। खाउसवे बहुत तरह से बनते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। आप मेरे स्टाइल से बनाइए, जरूर पसंद आएगी आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं करी नूडल्स कम खाउसवे की रेसिपी। पहले हम करी नूडल्स की कड़ी बनाएंगे, उसके लिए मैंने 1 लीटर छाछ ली है। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप 200 ग्राम दही की छाछ भी बना के ले सकते हैं। अब मैं ये भगोने में छाछ डाल रही हूँ। छाछ में मैं अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी, 2 चम्मच में इसमें डाल दूंगी। ये भुना हुआ बेसन मैंने रखा है, ये मैंने, आप मेरी ठंडे नूडल्स की रेसिपी देखिएगा उसमें किस तरीके से बेसन को भून के तैयार करना है बताया मैंने। ये मैं लूंगी 4 टीस्पून। मिक्स कर दूंगी अच्छे से जिससे कि घुटने ना पड़े। अभी कढ़ी को मुझे पकाना है, कम से कम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, चलाते रहना है जब तक कि खोल नहीं आए। अभी मैंने इसमें अदरक हरी मिर्च और भुने बेसन के अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया। हाँ, मुझे 10 मिनट हो गए हैं कढ़ी को पकाते हुए और इसमें खोल भी आ गया है। अब देखिए आप इसकी थिकनेस थोड़ी इसी तरह से रहेगी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक। अब मैं इसमें 1 टीस्पून तो नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और हल्दी इसमें एकदम पिंच ही डलेगी बस, बहुत इतनी सी टिंट आना चाहिए बस हल्दी का। और अब ये फटेगी नहीं, इसको पकने देते हैं। इसकी मैं करी नूडल्स की वेजिटेबल्स सॉटे करती हूँ। ये मैंने पैन गैस पे रख दिया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीबन ऑलिव ऑयल डालूंगी। लॉन्ग कट करके रखी है प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, इन सबको हमें एक एक करके इसमें पैन में डालना है और सॉटे करना है। एक कटोरी है बड़ी, ये मैं डाल रही हूँ। सॉटे करना है इनको, बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। अनियन सॉटे हो गए हैं, 1 मिनट हो गया मुझे सॉटे करते हुए। अब मैं ये लॉन्ग कटेड शिमला मिर्च इसमें डाल रही हूँ। गाजर भी मैंने पतली लंबी काटी हुई है वो डाल, गोभी भी पतली और लंबी काटी हुई है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने पूरा रेशियो जो लिया है इन्ग्रीडियंट्स का, वो 6 जनों को बहुत आराम से सर्व हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से रेडी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करके सॉटे करना है। 5 मिनट हो गए हैं इन सब्जियों को सॉटे करते हुए, कि मैंने मीडियम फ्लेम पे करी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और कुछ ऐड नहीं करना है। अब मैं इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक के और पकाऊंगी। चेक करते हैं सॉटे हो गई वेजिटेबल्स में, बहुत अच्छे से सॉटे हो गई है, मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं। ये हमारी वेजिटेबल्स करी नूडल्स की रेडी है। जितनी देर से हमारी वेजिटेबल्स बन रही थी, ये कड़ी पक रही थी, ये बहुत अच्छे से पक गई है। अब देखिए इतनी थिक चाहिए। अब मैं इसमें 400 ml कोकोनट मिल्क डाल रही हूँ। मैंने ये घर पे निकाला है, आप इसमें एक नारियल का जो दूध निकलता है वो पूरा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये एकदम पतला हो गया है, कड़ी एकदम पतली हो गई है। अब इसको हमें 1-2 खोल और देने हैं, बस रेडी हो जाएगी हमारी कड़ी। तैयार हो गई है, वेजिटेबल्स सॉटे हो गई हैं। अब देखिए मैंने थोड़ी और तैयारी कर रखी है। ये मैंने नूडल्स बॉईल कर रखे हैं। नूडल्स को बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से धो के और थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल डाल दिया था, तो ये ऐसे खुले खुले रहते हैं फिर। और चॉप्ड मैंने बहुत फाइनली चॉप्ड अनियंस रखे हैं, फाइनली चॉप्ड टमाटर हैं, और ये फ्राइड मैगी है। ये देखिए मैंने साबुत इसी तरीके से
तेल में फ्राई कर ली थी, फिर उसके टुकड़े कर लिए थे। आप मैगी की जगह वाई वाई भी यूज कर सकते हैं, वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने मिर्च का तेल बनाया है, वो मैंने आपको ठंडी नूडल्स में बनाना बताया था। और लेमन जूस है, कोरिएंडर लीव्स है, अगर जरूरत हो तो थोड़ा नमक साथ में रखा है। नूडल्स डाल रही हूँ, नूडल्स के ऊपर मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है इसलिए मैंने अच्छे से वेजिटेबल्स डाली हैं। अब इस पे डालेंगे करी, अच्छे से करी डालेगी, 2-3 चम्मच बड़े, थोड़ी सी और डालेंगे। अब इस पे मैं डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, फ्राइड मैगी, थोड़ा सा मिर्च का तेल, एक चम्मच लेमन जूस, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। बहुत ही टेम्पटिंग और यमी लग रहा है। चम्मच और फोक से अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लीजिए और फिर आराम से इसका टेस्ट लीजिए और खाइए, बहुत मजे आएंगे, ट्राई जरूर करिएगा। तो आज हमने हाउस में हम करी नूडल्स बनाए हैं, ट्राई जरूर करिएगा। मेरी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है लेकिन बहुत टेस्टी है। अब दादी माँ की टिप बताती हूँ। आज मैं आपको, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी से सर दर्द हो जाता है, कभी कभी हमें चक्कर भी आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा हो आपके साथ तो उसके लिए आपको करना है कि सूखा आंवला ले लीजिए 1 चम्मच और 1 चम्मच सूखा धनिया, उनको थोड़ा कूट के रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को छान के उसमें 2 चम्मच मिश्री के मिला के और पी लीजिए। 3-4 दिन तक आप पिए कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी एकदम ठीक हो जाएगी। जरूर ट्राई करिएगा, मेरी टिप बहुत अच्छी टिप है। मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।